नमस्कार दोस्तों, हमारे बीएस शर्मा बात द्वारा चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास में शनिवार के दिन करने वाले एक ऐसा उपाय बता रहे हैं। एक शनिवार को इस उपाय को करने से कोई भी परेशानी हो, सभी परेशानी दूर हो जाती हैं। अगर नवग्रह का प्रकोप है या शनि का प्रकोप है वो भी दूर हो जाता है। किसी के कार्य में रुकावट आ रही है वो भी दूर हो जाती है। किसी कन्या के या लड़के की शादी में रुकावट आ रही है तो वो भी दूर हो जाती है। शारीरिक कष्ट है तो वो भी दूर हो जाता है। ये केवल एक शनिवार को करना है और ये उपाय सूर्य छिपने के बाद में जब प्रदोष काल होता है शाम के समय पर करना है। दोस्तों, इस उपाय को करें, इस उपाय के द्वारा आप लाभ प्राप्त करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी, सभी परेशानियों का अंत हो जाएगा। अधिक मास में जो है बहुत अच्छा संयोग है, 165 वर्ष के बाद में ऐसा संयोग बना हुआ है। आप इस योग में उपाय करके लाभ प्राप्त करें। मैं इस उपाय को जानने से पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो का मैसेज आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अब हम उपाय प्रारंभ करते हैं। आप पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में इस उपाय को करें। इस उपाय का जो है लाभ 100% आपको प्राप्त होगा, परंतु पूरे विश्वास के साथ में करें, बिना किसी को बताए करें, और इस उपाय को गुप्त तरीके से ही करना है। दोस्तों, करना यह है कि शनिवार के दिन आपको सायंकाल के समय पर स्नान करने के बाद इस उपाय करना है, यानी कि हाथ पैर धोकर के आप कर लें। आपको पूरा स्नान ही करना पड़ेगा, क्योंकि स्नान के बाद ही शुद्धि होती है। और शुद्ध वस्त्र पहन करके आपको जो है 5 पीली मिठाई के पीस लाने हैं। आप 5 लड्डू भी ला सकते हैं अथवा 5 पीली मिठाई लेकर के आए, और 5 इलायची छोटी वाली वो लें, और इन सबको लेकर के एक दीपक लेकर के आप जो है पीपल के नीचे जाएं, और वहां जाकर के पीपल के नीचे दीपक जला करके आप जो है उन पीली मिठाइयों को रख दें, और 5 जो है पीली मिठाइयों को 5 पत्तों में रखें। पीपल के पत्ते ले लें या कोई दोना ले लें, 5ों पर रख करके एक एक पीस, उनके ऊपर एक एक इलायची रख दें और एक एक रुपए का सिक्का रख दें। इनको रख करके आप जो प्रार्थना करें, जो भी आपकी इच्छा हो उसे बोलते हुए पीपल की 7 परिक्रमा कर लें। 7 परिक्रमा करने के बाद में हर प्रार्थना पर आपको परिक्रमा पर प्रार्थना बोलनी है, और आप जो अपने घर की तरफ आए पर ध्यान रखें, वापस पीछे मुड़कर के ना देखें। जो उपाय करके आ रहे हैं घर की तरफ, वापस मुड़कर के ना देखें, और आकर के जो है घर में घुसने से पहले आप जो अपने पैर जरूर धो लें। एक लोटा पानी बच्चों से मांग सकते हैं आप, पैर धोकर के तब घर के अंदर घुसें। दोस्तों, देखना ये उपाय इतना असरदारी है कि इसका लाभ जो 100% प्राप्त होता है। इस उपाय को जो है पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में करें। एक शनिवार को ये उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, सभी परेशानियों का अंत हो जाएगा। ये शरीर कष्ट या किसी ने कुछ कर रखा है उसका भी अंत होगा। इस उपाय को करें, यह देखने में छोटा है, बहुत असरदारी है, लाभ प्राप्त करें। आगे की वीडियो में और उपायों के साथ मिलते हैं। आप सभी को जय श्री राधे।